एक समय की बात है, एक कस्बे में एक बूढ़ी अम्मा एक झोपड़ी में रहती थी। वो अपना पेट पालने के लिए चूल्हे पर लोगों के लिए मक्के की रोटी और साग बनाकर बेचती थी। एक दिन एक मुसाफिर उधर से गुजर रहा होता है। बूढ़ी बाबा, बाप रे बाप, बड़ा गर्मी है आज तो। एक तो प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, ऊपर से भूख ने भी आत्मा निकाली हुई है। बूढ़ी बाबा, यहाँ तो कोई होटल भी नहीं दिख रहा। वो यहाँ वहाँ अपनी नजरें घुमाता है। बूढ़ी बाबा, अरे वो झोपड़ी के बाहर कुछ लिखा तो है। क्या है? गरम गरम मक्के दी रोटी ते साग खाओ, जितने बने उतने पैसे दे जाओ। सही है दादा, और क्या चाहिए? चलो आज यही ट्राई करते हैं। मुसाफिर उस अम्मा के पास जाता है और कहता है, अरे अम्मा, जरा पानी मिलेगा क्या? हाँ, प्यास लगी है बहुत। हाँ बेटा, क्यों नहीं, भला इतनी गर्मी में भी पानी को कौन मना करेगा, अभी लाती हूँ। अम्मा धीमे धीमे अंदर जाती है और मटके से लोटे में पानी भर लाती है। मुसाफिर पानी पी लेता है। अम्मा, अब खाना खिला दो जल्दी से। अभी लाई बेटा, कहकर अम्मा गरम गरम मक्के की रोटी चूल्हे पर सेकने लगती है और प्लेट लगाकर उसे दे देती है। बूढ़ी बाबा, अम्मा बड़े दिनों के बाद आज हमको घर का जैसा स्वाद मिला है। अम्मा, अगर आप बुरा न मानो तो हम कुछ देर यहाँ खटिया पर सो जाऊं। सो जाओ जितनी देर मन करे। मुसाफिर गहरी नींद में सो जाता है। तब वो अम्मा अपने असली रूप में आती है, यानी चुड़ैल के रूप में। एक और मुर्गी मेरे जाल में फंस गई। मेरी जादुई मक्के की रोटी खाई है तूने, बस कुछ ही देर में ये रोटियाँ तेरे शरीर में बहते रक्त में घुल जाएंगी और फिर तुझे ना चाहते हुए भी यहाँ आना ही पड़ेगा। कुछ घंटे सोने के बाद जब मुसाफिर की नींद खुलती है तो चुड़ैल वापस अम्मा के रूप में आ जाती है। अच्छा अम्मा, धन्यवाद, ये लो पैसे, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। भगवान क्या करेगा इसमें, तेरे को तो आना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को वो चुड़ैल अम्मा के रूप में अपनी जादुई रोटियां खिलाया करती थी। एक दिन उस बूढ़ी चुड़ैल की बेटी आती है उससे मिलने। अरे बेटी, तू कैसे आ गई आज, सब खैरियत तो है? बड़े दिनों बाद आई तू। हाँ माँ, अब क्या बताऊँ, जिस शहर में मैं रह रही थी वहाँ के लोग बहुत चौकन्ने हो गए हैं। उनको बेवकूफ बनाना अब आसान नहीं मेरे लिए। वहाँ मेरा गुजारा बिना इंसानों को खाए उनका खून पिए नहीं हो रहा है। पता है मैंने महीनों से ताजा इंसानी खून नहीं पिया है। बेटी, तू ही तो जिद करके गई थी शहर, वरना इस कस्बे में भी शिकार कम नहीं है, रोज दो चार फंसी जाते हैं। ऐसा तू क्या करती है जो लोग खुद चल के मौत के मुंह में आते हैं? बस देखती रह तू, तेरे सामने किसी को बलि का बकरा बनाती हूँ। तभी वहाँ उसी कस्बे में रहने वाला एक व्यक्ति राका आता है। उसे आता देखते ही वो दोनों इंसानी रूप ले लेती हैं। और अम्मा, जल्दी से मक्के की रोटी साग के साथ ला दो। हाँ बेटा, क्यों नहीं। चुड़ैल की बेटी को ये सब समझ नहीं आ रहा था। ये मेरी माँ को क्या हो गया है, इंसान की सेवा कर रही है। यहाँ इंसान आसपास नहीं भटकता और इधर इंसान चल के आ रहा है तो ये रोटी साग खिला रही है, वो भी खुद बना के। सठिया गई है ये मेरी बूढ़ी माँ। फिर अम्मा राका को खाना खिलाती है। बातचीत करके राका चला जाता है और वो चुड़ैल और उसकी बेटी चुड़ैली रूप में आ जाते हैं। ये क्या ड्रामा है माँ, रोटी साग वो भी खुद बनाकर, वो भी इंसान जाति के लिए। अरे ये जादुई रोटियां हैं, जो भी इन्हें खा कर जाता है वो दोबारा जरूर आता है। उसकी तलब इतनी बढ़ जाती है, चाहे कोई विदेश भी चला जाए तो एक महीना होते ही उसकी भूख उसे यहाँ खींच लाएगी। अगर तुझे यही करना है तो चूल्हे पर अपना खून क्यों फूंकती है, रोटी मशीन ले आते हैं एक। वो क्या होता है? अरे माँ, वो एक रोटी बनाने वाली मशीन है, इसमें सैकड़ों रोटियां एक साथ बन सकती हैं। चूल्हे पर जितनी तू हफ्ते भर में बना पाएगी उतनी एक घंटे में बन जाएगी। पर तेरा ये काम सही लगा मुझे,
अब मैं भी यही रहूंगी। चुड़ैल की बेटी शहर जाकर जादुई रोटी बनाने वाली मशीन ले आती है। अब दोनों चुड़ैल माँ बेटी मिलकर जादुई रोटियां बनाकर लोगों को खिलाने लगी। चुड़ैल की बेटी ने शहर तक जादुई रोटियों का प्रचार फैला दिया। अब चुड़ैल और उसकी बेटी के पास रोज के 15-20 लोग आने लगे और उनकी जादुई मक्के की रोटियों के जाल में फंसने लगे। करीब करीब एक महीना हो जाता है। एक सुबह वही मुसाफिर सोकर उठा ही होता है कि ओह हमारा पेट, ओहो भूख के मारे हमारा पेट बहुत दुख रहा है, क्या खाऊं मैं। मुसाफिर बिस्तर से उठता है और किचन में नाश्ता बनाता है। अरे भगवान, ऐसी क्या आग लग गई इस पेट में कि इतना नाश्ता करने के बाद भी भूख लगी ही जा रही है, अभी क्या खाऊं मैं। मुसाफिर घर में जो कुछ भी खाने का रखा होता है खा जाता है, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। हुनी बाबा, इतना सब खाने के बाद भी हमारा मन वही मक्के का रोटी और साग खाने को करता है, आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। मुसाफिर को अपने पेट के आगे हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं और वो शहर में कस्बे में आता है अम्मा के हाथ का खाना खाने। इतना सब खाने की वजह से मुसाफिर का पेट बहुत बड़ा हो जाता है, पर भूख के मारे उसका पेट तो मानो जमीन में कटकर गिरने वाला हो। कुछ देर चलने के बाद मुसाफिर चुड़ैल की झोपड़ी में पहुंच जाता है। अरे अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा किधर हो, अरे कहाँ हो, अम्मा, ओ अम्मा। अम्मा मुसाफिर को देखकर अजीबोगरीब तरीके से मन में हंसती है। हाँ बेटा, ये रही मैं। अम्मा, बहुत भूख लगा है, जल्दी से हमको खाना लगा दो। चुड़ैल और उसकी बेटी जल्दी जल्दी रोटी मेकर से जादुई मक्के की रोटियां बनाकर उसे परोस देती है। यहाँ मुसाफिर भूख के मारे कई सारी जादुई रोटियां खा जाता है। उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो दिमागी संतुलन खो देता है और वहीं चुड़ैल के कदमों में बैठ जाता है। चुड़ैल और उसकी बेटी असली रूप में आ जाते हैं। ए इंसान, आज से तू मेरा गुलाम है, खड़ा हो और मेरे पीछे पीछे आ। मुसाफिर अपनी सुध-बुध खो रखा होता है और उस चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगता है। झोपड़ी के अंदर से एक खुफिया रास्ता जा रहा होता है जो कि सीधा जंगलों में पहुंचता है। यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं होगा। और वो उस मुसाफिर का सर धड़ से उखाड़ कर अलग कर देती है और उखड़ी हुई गर्दन से खून पीने लगती है। लोग गायब हो रहे हैं, ये पूरे कस्बे और आसपास के शहरों में बात जाने लगी। कल रात जंगल में फिर से एक बिना सर का धड़ पाया गया। सोच कभी मैं भी जाऊं और तुझे मेरे धड़ की खबर सुनने को मिले। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम्हें तो यमराज भी आधे रास्ते से ही वापस छोड़ जाएगा परेशान होकर। अब अमावस्या की रात आती है, आज रात को तो पूजा होनी है और इंसान की बलि देनी है, पर कहां से लाएंगे इंसान हम? लालच में आकर हम रोज के शिकार खा डालते हैं। कोई नहीं, मेरे पास एक तरकीब है, चलो। चुड़ैल अपनी झोपड़ी के बाहर बोर्ड में लिखती है, जी भर खाओ मौज उड़ाओ पर सिर्फ आज रात। फ्री में खाने का सुनकर कस्बे के बेसब लोग जिनकी तलब जगी पड़ी थी वे लोग आने लगते हैं। चुड़ैल और उसकी बेटी रोटी मेकर से कुछ ही घंटों में सबके लिए जादुई रोटियां बना लाती हैं और वे सब सुध-बुध खोकर चुड़ैल के पीछे जंगल में पहुंच जाते हैं। मैंने कहा था ना, मेरी जादुई रोटियां कितने कमाल की हैं। वाह माँ, मानना पड़ेगा तुझे। फिर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं। चुड़ैल पूजा की तैयारी करती है और सब लोगों को बलि देने के लिए नीचे मुंह करवा कर बैठा देती है। ओ मेरी चुड़ैलो, आ जाओ उस दुनिया से, आज इस दुनिया में आ जाओ। आज अमावस की रात हमारे लिए कितनी खास होती है, आओ जल्दी आओ। दोनों चुड़ैल माँ बेटी मिलकर आवाहन करती हैं। तभी आसमान से कुछ चुड़ैलें जमीन पर उतरने लगती हैं। अरे तूने तो इंसानों की फौज ही लगा दी आज, सब जादुई रोटियों का कमाल है। चलो अब जल्दी से पूजा खत्म करके फिर बलि चढ़ाते हैं, समय कम रह गया है। अकस्मात से उस रात कस्बे का प्रधान उस जंगल में पहुंच जाता है और ये घटना छुपकर देख रहा होता है। इधर सब चुड़ैल मिलकर उन गुलाम लोगों की बलि देकर उनका खून पीने लगती है।